शहर में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाए रखने के लिए एसपी ट्रैफिक श्याम देवबिंद द्वारा धर्मशाला बाजार यातायात चौराहे गणेश चौराहा सहित अन्य प्रमुख चौराहों पर खड़े होकर लोगों से यातायात नियमों का पालन करने के साथ साथ बाई लेन खाली रखने के लिए जागरूक किया गया। इस दौरान यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों का चालान काटा गया। इस अवसर पर यातायात निरीक्षक मनोज राय, अजीत कुमार पांडे सहित अन्य यातायात पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक श्याम देवबिंद ने कहा, ये यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ व बेहतर बनाने के लिए यातायात पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारे सीनियर अधिकारियों द्वारा भी जो कुछ स्ट्रक्चरल इशू आ रहे थे उसके विषय में भी संबंधित विभागों से वार्ता की गई है। हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी, डीजी जोन सर द्वारा भी, कमिश्नर साहब, डीएम साहब द्वारा भी लगातार इसमें प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे कुछ कुल 20 चौराहे ऐसे चिन्हित किए गए हैं जहाँ यातायात का दबाव ज्यादा रहता है, तो वहाँ पर लेफ्ट लेन फ्री करने के लिए उन पर स्प्रिंग पोस्ट जो है कि लगाए जाने के संबंध में नगर निगम से और जीडीए से पत्राचार भी किया गया है और जल्दी वो लग भी जाएगा। मीटिंग में भी जो है सीनियर अधिकारियों से उनसे कोऑर्डिनेट हो गया है। तो एक तो स्प्रिंग पोस्ट लगाए जाएंगे जिससे बायां लेन फ्री रहे, इमरजेंसी वाहन भी जा निकल सके और किसी को बाएं जाना हो तो वो स्मूथली चल सके, बिना मतलब ट्रैफिक सिग्नल पर उसको रुकना ना पड़े। इसी तरह से कुछ और भी जो अनावश्यक रूप से कई जगह कट हैं डिवाइडर पे, उसको भी बंद करने के संबंध में संबंधित विभाग से वार्ता की गई है। कुछ जगह जो है सर्विस लेन खराब है उसको भी बनाने के संबंध में बात हुई है। ये जल्दी ही ये सब सुधार आपको दिखेंगे, जल्दी वो बन भी जाएगा। कुछ जगह अनावश्यक रूप से पोल जो जगह जगह पड़े हैं जिनकी कोई आज के समय जरूरत नहीं है उसको भी चिन्हित किया गया, वो भी संबंधित विभाग से उसके संबंध में वार्ता की गई है। संबंधित विभाग द्वारा जो है कि मौका मुआयना भी किया जा रहा है और जल्दी ही वो जो है कि अनावश्यक रूप से जो है हट भी जाएंगे और रोड सही भी हो जाएगी। तो ये सारी व्यवस्थाएं अभी की जा रही है। बाकी ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगातार भ्रमण करके चालान जुर्माना की कार्रवाई की जा रही, जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं, पैदल भ्रमण करके जो है कि ठेले खोमचे वालों को भी व्यवस्थित किया जा रहा है। तो ये सारे अभियान यहाँ पर गोरखपुर में चलाए जा रहे हैं।